press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होगी हम सबकी चहेती आरजू काजमी जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बारे में, और खासकर आरजू काजमी जी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बातें शेयर करेंगी। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पहली बात तो ये कि लोगों का माइंडसेट अभी ऐसा नहीं है, ये तो मैं मानूंगी, लेकिन कंदील बलोच का जो मर्डर हुआ था वो इस वजह से नहीं हुआ था कि वो मॉडलिंग किया करती थी। उनका मर्डर के पीछे जो बातें निकली थी बाद में, वो यही थी कि उन्होंने कई चीजें जो है वो मीडिया पर बात कर दी थी, और उस टाइम पे उनके बल्कि एक क्लिप बड़ा वायरल है, अभी तक मिल जाता है, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं भेज दूंगी, जिसमें उन्होंने इमरान खान की जो इस वक्त वाइफ हैं बुशरा बीबी, उनके बारे में उन्होंने बताया था कि खान साहब का वहां आना जाना है और खान साहब वहां जाते हैं, उस वक्त तक इमरान खान की शादी नहीं हुई थी, और ये कई चीजें उन्होंने जो है वो मीडिया पे बैठ के बोल दी थी। अब पता नहीं उनको कहाँ से खबर मिली थी, लेकिन बहरहाल वो सही बातें थी जो उन्होंने कही थी। तो उनके जो उनका जो मर्डर है ना कंदील बलोच का, वो वैसे मुझे बहुत पसंद थी और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ है उनके मर्डर के ऊपर। तो वो चीजें उनके पीछे गलत हो गई थी जो उन्होंने बात की, सिंपल सी थी मेरे ख्याल है, बहुत सिंपल किस्म की लड़की थी और नहीं उसको पता था कि क्या मुझे बोलना है क्या नहीं बोलना है, लोग पीछे पड़ जाते हैं यहाँ पे मार डालते हैं, तो ये वो स्टोरी ही और है, वो बिल्कुल अलग कहानी है कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे 12 लोगों का ऐसा माइंडसेट नहीं है कि आप बिल्कुल ओपनली कहेंगे हाँ जी इधर फैशन शो हो रहा है, होता है लोग जाते हैं, लेकिन उस वक्त जैसे ड्रेसेस आप दिखा रहे थे उस तरह के ड्रेसेस भी मॉडल्स पहनती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर एक का एक्सेस नहीं होता वहां तक। सही बात है, सर एक का एक्सेस नहीं होता। अच्छा एक चीज, हमारे साथ 257 पीपल लाइव हैं इस समय, इस प्रोग्राम को लाइक करें, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैम आपसे डिटेल में बात करते रहेंगे, आरजू जी के साथ बहुत दिनों बाद बात हो रही है, आरजू जी थोड़ा बिजी रहते हैं क्या? आरजू जी आजकल थोड़ा सा बिजी हैं, किस काम में बिजी हैं, कहाँ घूम रही हैं, क्या कर रही हैं? कहीं नहीं घूम रही, मैं घर पे ही हूँ और मैं अपने चैनल के साथ ही बिजी हूँ और कहीं नहीं, बल्कि एक रोहित मैं आपको एक पिक्चर भेजती हूँ एक मिनट, वो अगर आप दिखा पाए तो ये भी पाकिस्तान में फैशन शो जो है हुआ था इस्लामाबाद में सरीना में कुछ साल पहले, वहां की है तो आप देख सकते हैं कि उसमें आपको मॉडल्स भी नजर आएंगी। मैं बस चैनल पे ही हूँ और बस और तो कुछ नहीं, आपको पता है इधर ही घूम रही होती हूँ, मैंने कहा जाना है, लेकिन ये जरूर है कि वो आपने बुलाया मुझे इतने टाइम के बाद, मुझे नहीं पता आपने बुलाया क्यों नहीं था, वो तो आप ही बता सकते हैं। ये फोटो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ये तो सारे के सारे नॉर्मल ड्रेसेस हैं, इसमें आपकी फोटो भी दिख रही है वैसे तो मुझे, और भी हैं, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, यस दिस हैपेंस, और अच्छा है, 6 साल पुरानी है ये कहानी। अच्छा ये हाँ ये 6-7 साल पुरानी है, लेकिन खैर मैं मॉडलिंग नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ वहाँ फैशन शो में गई थी, तो मैंने जो फोटोग्राफर थे उन्होंने कहा चले आपकी पिक्चर भी बना देते, उनका बना दे भाई, मॉडलिंग तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन ये कि वो मैं ये बताना चाहती थी कि होते हैं अभी भी कोई, अगर होगा कोई फैशन शो या इस किस्म का होगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तो हमें आप लोग बहुत ज्यादा ये ना सोचेंगे हम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा नहीं है, हम ना तो ईरान है ना तो अफगानिस्तान है ना हम इंडिया है, हमारी अपनी ही एक दुनिया है कि जिधर जो है वो कुछ बातें जो है वो परमिशन है या कर सकते हैं और कुछ चीजें जो है वो नहीं कर सकते, तो होपफुली ऐसे ऐसे करके शायद आगे की तरफ बढ़े और थोड़ा मजीद हम इम्प्रूव कर जाए। राइट right. अच्छा एक क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान के ऊपर इतना, मैं थोड़ा सा डिबेट जरूर कर रहा हूँ, पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है इस समय, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है? नॉर्मल कोई फैक्ट्स की फिगर्स की मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप तैयारी करके नहीं आई है, मैं वैसे भी तैयारी करके नहीं आई होती, लोगों का यही मानना है कि मैं ऐसे ही उठाकर आ जाती हूँ, तो इसलिए एक्सप्लेन ना कीजिए, हालांकि ये ऐसा नहीं है, मैं कभी कभार पढ़ के भी आ जाती हूँ, मैं ऐसे नहीं आके बैठ जाती, लेकिन खैर कुछ लोगों ने ये बना रखा है मेरे लिए तो उनका भी बहुत शुक्रिया, इसलिए कि उनकी मेहरबानी की वजह से लोग आकर मुझे बड़ा कुछ कहते हैं तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, इसलिए कि कोई तो बात है ना जो लोग मेरी बात करते हैं, आखिर कहना चाहिए ना बच्चन साहब के स्टाइल में, कोई तो बात है,
तभी तो लोग बात करते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि नहीं डिफॉल्ट करने का इसलिए खतरा नहीं है, रोहित के पब्लिक के पास बड़ा पैसा है ये बताया जाता है। डिफॉल्ट तो खैर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट आपको पता है कि वो एक अलग चीज़ है, लोग कहते हैं कि नहीं पब्लिक के पास पैसा है तो गवर्नमेंट के पास नहीं है तो डिफॉल्ट क्यों नहीं कर जाएगा। उसकी रीज़न ये कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान जो है वो अरेंज कर लेता है, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, चाइना हो, सऊदी अरब हो, कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज कर लेता है। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बॉर्डर लाइन पे जाके और फिर हम वापस आ जाते हैं, ये बहुत टाइम से हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी ये कुछ ना कुछ संभाला ले लेंगे और जैसे ही नई गवर्नमेंट बनेगी तो कुछ टाइम के लिए से, वैसे ज्यादा अरसे के लिए नहीं आ रही है, अभी बता दूं मैं आपको, ये एक डेढ़ से दो साल का गेम है, उसके बाद फिर दोबारा वही हाल होगा, फिर इलेक्शन इलेक्शन खेल रहे होंगे। तो इसलिए अभी तो ये संभालेंगे, किसी ना किसी तरीके से संभाला जाएगा, और डॉलर रेट को भी और बाकी चीजों को भी, इसलिए डिफॉल्ट करने का भी फिलहाल कोई चांस नहीं है। डिफॉल्ट करने का अभी कोई चांस नहीं। मैंने एक चीज और नोटिस की कि आप बोल रही थी कि बहुत सारे लोगों ने ये बातें फैला रखी है कि आप बिना प्रिपरेशन के आती, वो कौन लोग हैं, मैं नाम नहीं पूछना चाह रहा, लेकिन उनको इतना प्यार क्यों है आपसे? मतलब मेरे से भी बहुत सारे लोगों को प्यार है, मेरे ऊपर भी पर्सनल अटैक किए गए, और मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ कि मुझे भी पता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा वार्न कर रहा हूँ, तीसरी बार नहीं करूंगा, तीसरी बार ओपन फायर खोलूंगा, ओपन फायर खोलूंगा, बताऊंगा कि कौन इंटरव्यू देने के कितने पैसे लेता है, और ये बताऊंगा कि कौन कितने साल तिहाड़ में रह के आया है। अच्छी तरह से हमें भी पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो लोग खिलाफ भी बात करते हैं मैं उनके लिए भी अच्छा ही सोचती हूँ, और आई विश के उनको ऊपर वाला कुछ अकल दे और वो जो है लोगों के साथ मिलजुल कर अपना काम करने की कोशिश करें। अगर कुछ मतलब दूसरों से सीखे, हमने भी बहुत लोगों से सीखा, अभी तक सीख रहे हैं, तो उसके लिए किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं होती, अपने काम के ऊपर फोकस रखें। तो लोग जो ये कहते हैं जी ऐसे ही आ जाती है, पता नहीं होता, तो पता नहीं ऐसा इन लोगों को क्यों लगता है, और फिर लगा करें सानू की हमें और भी 10 काम पड़े, हम इन्हीं की बात करते रहेंगे क्या? सही बात है। एक क्वेश्चन और जो कि ट्रू न्यूज ने पूछा, हिंदी में लिखा है कि इमरान खान का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, आर्मी क्या करेगी, ये क्वेश्चन। इमरान खान को आर्मी ने बनाया है, इमरान खान को आर्मी इस्तेमाल करेगी, अभी ना सही अगले इलेक्शन में सही, इस वक्त भी बातचीत यही चल रही है कि इमरान खान और पीपल्स पार्टी शायद मिल जाए, और एक एक पार्टी कहती है हम बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा जाता है नहीं हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान डेफिनेटली एजेंसीज का प्रोडक्ट है, और अभी ना सही नेक्स्ट इलेक्शन में सही, लेकिन ये कि इमरान खान आएंगे दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट आई होप के जल्दी नहीं, डेढ़ से दो साल तो बहरहाल ये गवर्नमेंट चलेगी जो अभी आ रही है PDM की। सत्येंद्र सिंह नेगी बोल रहे हैं, आरजू जी आजकल दोनों घरों में वीडियो बना रही है, बिल्कुल आठ घर इनके, आपको प्रॉब्लम है, खरीदना है आपने खरीद लीजिए, कौन से दो घर, मैं तो एक ही घर है वो भी कराएगा। कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई थी जो कि इन्होंने देख ली होंगी, तो ये चीज है, बट स्टिल ठीक है, मैं नहीं मानता, अफवाह फैलाने वाले भी अच्छा कंट्री का भला करते हैं, अफवाह फैला के लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। हाँ, और उनके मुंह में घी शक्कर, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे दो घर हैं, मेरा तो एक घर भी नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक घर ये भी भाड़े का ही है, तो लेकिन ये कि अगर वो ये समझते हैं या ये कहते हैं कि मेरे दो घर हैं तो आई विश के हो जाएं, अच्छी बात कर रहे हैं ना, बुरी बात थोड़ी कर रहे हैं, वही थोड़ी कह रहे हैं कि मैं कहीं ऐसे ही किसी रोड से बैठ के मेरे पास घर ही नहीं है रहने को, बेचारे दो दो घर बता रहे हैं, ये और बातें एक भी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने अगर चाहा तो उनके मुंह से बात निकली है तो घर वाली तो इंशाल्लाह मिल भी जाएगा, होपफुली काम तो हम कर ही रहे ना, दुआ भी करनी चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं मयंक लेटोरिया जी, जो कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं कि कौन इंटरव्यू के पैसे लेता है और कौन रह के आया तिहाड़। मयंक जी, मैं जिस जो तिहाड़ रह के आया उसे पता है, और जो इंटरव्यू के पैसे लेता है उसे पता है, वहां तक खबर नहीं लेता, नहीं है मांगता है, देता कोई नहीं, पूरी खबर बताए ना, पैसे सिर्फ मांगता है, देता कोई नहीं, जिससे कहते हैं मुझे इंटरव्यू के पैसे चाहिए वो कहता है ठीक है बताएंगे, और फिर दोबारा कॉल ही नहीं करता, ये प्रॉब्लम हो रही है कि मिल भी नहीं रहा है ना, या तो मिल रहे होते हैं। आरजू जी, रोहित इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या आरजू इतना सच्चाई है, अगर सच्चाई नहीं है तो ये तो आपको देखना है ना, ये आपको देखना है कि हम मैं सच बोल रहा हूँ या आरजू जी सच बोल रही है, कौन सच बोल रहा है, अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप आके बता दीजिए। मैंने ये भी, मेरे पास ये भी आया कि खबर आपकी थी तो उसको प्रूव करना आपका काम है,
जब मैंने बोल दिया खबर मेरी है और मैं उसके साथ खड़ा हूं, तो उसको झूठा प्रूव करना अब आपका काम हो जाता है। मैं अगर बोल दूं कि आप अपने बाप की औलाद नहीं है, तो मेरे को मुझे ये मुझे मुझे प्रूव करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कभी अभी ना सही अब ना सही, कभी तो दोस्त थे ना, तो कम अज कम उस टाइम की हम थोड़ी शर्म कर लें। हमें तो आती है भाई शर्म, दूसरों को आए ना आए तो कोई बात नहीं, दूसरों को आए ना आए हमें तो शर्म आती है, तो कोई बात नहीं। अब हम दोस्त नहीं है, अब हम दोस्त नहीं है, लेकिन पहले कभी तो दोस्त थे ना, तो उस टाइम के लिए सही, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आई रिस्पेक्ट मैं सबकी रेस्पेक्ट मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं अगर बोल दूं कि उस आदमी ने 4 लोगों को जहर दिया है, तो प्रूफ तो मुझे करना पड़ेगा ना। अरे या उसकी किसी खबर को, वो अपनी खबर लेके आया है उस, जस्ट अरे यार एक चीज मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, लीव इट ना यार, कोई बात नहीं, लोग कर दे, हो जाता है कभी कभी लोग इमोशनल होके इस तरह इस किस्म की बात कर देते हैं। मुझे तो किसी से कोई शिकायत नहीं है, पहले थी शायद, अब मुझे वो भी नहीं रही। मैं कहती हूँ बस ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। अगर उन्होंने कुछ, उनको कुछ हासिल हो गया, अगर मुझे कुछ बोल देने से, आपको कुछ कह देने से, अगर उन्होंने वाकई में कुछ हासिल कर लिया है, तो गुड फॉर देम, अच्छी बात है कि उनको कुछ हासिल हुआ, कुछ व्यूज आ गए, कुछ आ गए, हमें और गालियां दे दें, और व्यूज ले लें। इसलिए कि भाई हम तो लर्निंग प्रोसेस में हैं, हम तो गलतियां भी करते हैं, हम उसके लिए एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और उन लोगों में से कुछ लोग बहरहाल मेरे दोस्त रहे हैं, अभी ना सही, अब दोस्त नहीं रहे, लेकिन कभी रहे हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट अभी भी करती हूँ। और बाकी जो बाकी दो थे, मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, मैं उनसे यही ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि उनका भी कुछ भला हो जाए, उनका भी चैनल चल जाए, वो भी जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, तो वो अपने काम के ऊपर फोकस रखें, बजाय इसके कि दूसरों के लिए बुरा बोलने के। तो मैं तो जी पॉजिटिव सोचती हूँ, और कोई बात नहीं, हो जाता है, छोड़ो यार, बहुत होता है लाइफ में। लोग आप जब यूट्यूब पे मीडिया में रहेंगे, आपको 50 लोग गालियां देंगे, तो आप क्या करेंगे, आप सबके लिए बैठ के नाराज होते रहेंगे। करने दें उनको, अगर कुछ हासिल हुआ है तो जरूर करें, और अगर नहीं हुआ तो फिर संभल जाए, यही हो सकता है, लेट देम डू, आगे करें यार, दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है, डोंट डिस्कस देम, दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है, तो डिस्कस नहीं करते। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू कासमी जी का चुलबुला और मजेदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जिसमें आरजू कासमी जी ने काफी सारी बातों का जवाब भी दिया और कई सारी बातों को इग्नोर भी कर दिया। पर आपने देखा ऐसी सिचुएशन इसलिए पैदा हुई क्योंकि टाइम टू टाइम आरजू कासमी जी पे काफी सारे इल्जाम लगते रहे हैं, कई बार उनको ISI का एजेंट बताया गया, और कई बार उनके जो पत्रकार फकर यूसुफ जई हैं उनको उनका पति बताया गया। ऐसी कई सारी बातें हैं जो आरजू कासमी जी के बारे में कही गई, और यह भी कहा जाता था जब वो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे काम किया करती थी तो भारत के खिलाफ बोला करती थी। वेल, अब इसका जो जजमेंट है, ये जो चीजें हैं, इसको आप ही जज करेंगे, क्योंकि जनता ही असली जज है। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और स्पेशल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।